खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया, बोला सेना से मुस्तैंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। धर्म पर संकट पड़ा भारी, जनेऊधारियों के गर्दनों तक आ गई आरी। हजारों और लाखों लोग अपना कर्म खो बैठे, हुए भयभीत इतने के वो अपना धर्म खो बैठे कि जब पूजा के स्वर भी पुण्य से अपराध होते थे, सभी मंदिर शिवालय नित्य ही बर्बाद होते थे, तो हमने धर्म के उस यज्ञ में दी बढ़ के आहुति, ये रखो याद की सदियों लड़ी है जंग रजपूती। राणा शिवाजी का प्रबलतम ताप देखोगे, अभी रणभूमि में चेतक की अंतिम ताप देखोगे, अभी पद्मावती के तान की तासीर बाकी है, अबे भाली व बर्छी ढाल और शमशीर बाकी है। किसी की माँ जिंदगी जीना सिखाती है, हमारी माँ तो हमको युद्ध में मरना सिखाती है। कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी, ये सारे षड्यंत्र होते रहे, ये सारे फेरबदल होते रहे, ये कष्ट का विषय नहीं है। कष्ट का विषय यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। मैं उन तमाम इतिहासकारों के सामने प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयों का हिस्सा धर्म नहीं था? आदरणीय धर्म ही था, और कोई कारण नहीं था। 70 साल से जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं निकलता। 70 साल से सत्ता चलाई जा रही है, ये बेसुरे स्वर में सहनाई बजाई जा रही है, ये शिक्षा स्वास्थ्य और रक्षा तलक ये दे नहीं पाए, एक दूजे को केवल दोष ही देते चले आए, ये माना नेक कर्मों के सदा प्रतिफल रहे हो तुम, देश का पेट भरने में मगर असफल रहे हो तुम, अभी भी वक्त है शासन की गुणवत्ता हमें दे दो, महज 10-20 वर्षों के लिए सत्ता हमें दे दो, है वादा फिर कोई भी ये सजग ना प्राण त्यागेगा, खड़ा सीमाओं पे दुश्मन ना अपने प्राण त्यागेगा, बड़े दिल और बड़े जिगरे की इन आभाओं से होगा, सुनो ये काम राजाओं का है, राजाओं से होगा। बड़े दिल और बड़े जिगरे की इन आभाओं से होगा, सुनो ये काम राजाओं का है, राजाओं से होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि तुम चिल्लाते बहुत हो, ये काम तो आराम से भी हो सकता है। इस समाज के लोगों को सिखा दिया गया, तुम राजा की औलाद हो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और एक बात और ये घुसेर दी गई पिछले 70-75 वर्षों में तमाम संचार के माध्यमों से, और ये बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ, मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा, त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। मेवाड़ की एक कहानी आप लोगों के बीच में रखना कि रावण रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, गोरा और बादल बलिदान हुए हैं। यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ और इस कथानक पर, इस व्याख्यान पर गर्व करिए और अपनी संतति तक ये प्रेषित भी करिए, क्योंकि आने वाला समय उतना अच्छा नहीं जितना हम आंकला लगाए बैठे। लड़कियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे, गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया, बोला सेना से मुस्तैंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे
कंधे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखी वो आंखें अंधी कर दो, और बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। कल का सूरज देखेगा इन जलवानों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। हिंदी साहित्य में युद्धों की बड़ी सारी विवेचनाएं हुई, एक छोटा सा प्रयास मेरा भी आप सबके सामने रख रहा हूँ। फाटक खुले के लिए भीतर से लावा फूट पड़ा था, और खिलजियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था। पदचापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वन से गुंजित हुई दिशाएं, तगी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। बड़े काल से हाथ मिलाने, सिर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे। तो आसमान विस्फने हुए बाणों को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे सो सौरित मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे भरती थी। उस रोज दामिनी भाले के नौकों से खेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। पर गर्भवती योद्धानी और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। चली कुंड की ओर कंचनी काया गौतम काने, मुझे विदा कर दीजिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। चली कुंड की ओर कंचनी काया गौतम काने, गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी बिलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चली चला चित्तौड़ चला मेवाड़ चली जब सतिया, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। जय भवानी।